हमारे यहां तो माता सीता जब रावण साधु बनकर आया तो माता सीता जान गई कि ये रावण है। जब रावण आया तो साधु बनकर आया ना, माता सीता जान गई कि ये रावण है, दुष्ट है, पापी है, मुझे हरने आया है। तो आप सवाल करो कि जब सीता मैया जान गई तो फिर लक्ष्मण रेखा पार करके क्यों रावण के पास गई? चलो बताओ क्यों? जब माता जी जान गई, देखो माँ है ना, वो जगत जननी है, वो क्या नहीं जानती? कोई तुम्हारी और हमारी तरह सामान्य स्त्री तो नहीं थी सीता मैया? क्यों भाई, सामान्य स्त्री थी, जगत जननी है वो, लक्ष्मी है वो, लक्ष्मी का अवतार है वो। अब बताओ कि वो सब जानती हैं, तो वो जान भी गई कि ये रावण है, तो फिर क्यों गई? बताओ क्यों गई, क्यों गई? जब जान गई कि ये रावण है, मुझे उठाकर ले जाएगा, तो क्यों गई? बताओ क्यों मैया, क्यों गई? बताओ, आप बताओ क्यों गई, क्यों मैया? आप बताओ, पीली मैया क्यों गई? इसलिए गई क्योंकि मां सीता गृहस्थाश्रम में है और गृहस्थाश्रम का धर्म है कि आपके द्वार पर कोई भोजन मांगने आया, रावण क्या बोलता था, मुझे भिक्षा दे दो। और द्वार पर रावण आया है, छल के रूप में आया है, माता सीता जान रही हैं कि ये छलिया रावण है, पर आया संत के रूप में है और मांग रहा है भोजन। और एक गृहस्थ के घर से, राम के द्वार से कोई भूखा लौट जाएगा तो राम को मर्यादा बिगड़ जाएगी राम की। इसलिए गृहस्थ के घर से कोई भूखा ना जाए, मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए, ये मुझे ले जाए तो ले जाए, ये जो करेगा वो इसका पाप पुण्य है, पर मेरे द्वार से कोई भूखा चला जाएगा तो मेरा पाप है। देखो जरा, माता सीता ने अपने गृहस्थ का पालन किया, जिस धर्म का पालन माता सीता ने किया उसी धर्म ने बाद में माता सीता की रक्षा भी की। धर्मे धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा आप कीजिए तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। कुल मिलाकर कहना यह है कि आप लोग भक्तों का खूब सम्मान करो, जिनके माथे पर तिलक है, गले में तुलसी की माला, हम तो भक्तों का ही नहीं साहब, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, क्या बुराई है? आप इतने लोग बैठे हैं, आप में से पता नहीं कौन सज्जन है, कौन भक्त है, कौन कैसा है, आप कैसे भी हैं, आप जैसे भी हैं, अपने लिए हैं, हमारे लिए तो धाम में आए हैं, तो भक्त हैं, और भक्तों को प्रणाम करना, भक्तों की सेवा करना हमारा धर्म है। हमें आपके स्वभाव से कोई मतलब नहीं, आप आए हैं, आपकी सेवा करना, आपके हित की कामना करना, आपके मंगल कामना, ये हमारा धर्म है। तो भागवत जी हमें कितनी गहरी सोच देती हैं, कितना श्रेष्ठ विचार देती हैं, इस विचार से जीवन यापन करना चाहिए। व्यर्थ में समय मिला है तो व्यर्थ में उसे गवाओ ना, समय है सत्संग करो, भगवत चिंतन करो। पहले के लोग व्हाट्सएप फेसबुक ना चलाते, रामचरितमानस पढ़ते थे, आप लोग भी थोड़ा समय मिल जाए तो थोड़ा से गीता पढ़ लो, रामचरितमानस पढ़ लो। फेसबुक व्हाट्सएप से मन अशांत होता है, इतना इंटरनेट में नहीं लगना चाहिए जितना आप लोग लगे रहते हैं, इतना भी मोबाइल का प्रयोग, मोबाइल अच्छी चीज है, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब उसका उपयोग अच्छा हो तो, वरना मोबाइल बहुत बुरी चीज है यदि इसका उपयोग बुरा है तो। इसलिए थोड़ा सा समय निकालो, अध्ययन करो। आप, मैं आपको गारंटी देता हूं
यदि आप रामचरितमानस पढ़ने लग जाएंगे और पढ़ करके समझने लग जाएंगे तो अपने आप आपका हृदय शांत होगा, अपने आप आपको वह सुख मिल जाएगा। जो सुख की अनुभूति आप करेंगे वो करोड़ों कमा करके भी आप उस सुख की अनुभूति तक नहीं पहुंच सकते जो हमारे ग्रंथों का अध्ययन करके आप पहुंच सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, पढ़ना ना आवे तो सत्संग करो, कीर्तन करो, अच्छी जगह बैठो, अच्छी बातें करो।